नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्डिगन के लिए ये खूबसूरत सा केबल डिज़ाइन लाई हूँ। एक केबल जो है वो 9 फंदे का बना हुआ है और 2 केबल के बीच में मैंने 3 फंदे का अंतर रखा है। तो इस तरह ये 12 के मल्टीपल फंदे में ये डिज़ाइन हुआ। तो 12 का मल्टीपल फंदे और 3 फंदा दूसरे साइड में भी डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए और 2 फंदा ये एज स्टिच। तो इस तरह 12 के मल्टीपल फंदे और 5 फंदा एक्स्ट्रा लेके हम डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप यहीं से डिज़ाइन शुरुआत करें। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और ऊन अपनी ओर है इसलिए जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1 2 3। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए 3 का एक कर देंगे। अगला फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा और लास्ट में 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 1 सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए 2 का एक कर लेंगे और 1 फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करना है, 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करना है, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ लेके 1 सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से 1 सीधा फंदा बना लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में 4 फंदा बचेगा तो 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा बना लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लेंगे।
फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, और एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब जाली सेंटर से साइड में आ गई है, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा। और अब हमको इस जाले को देखिए, ये जिग जग जैसे जा रहा है, तो ये हमारा साइड में आ गया। अब इस जाली को हमें इस साइड में मोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो क्या करेंगे, दो फंदा सीधा बुन लेंगे और उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे को एक साथ लिया, एक सीधा फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उन अपनी ओर करना है, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करना है, दो फंदा सीधा। फिर इस जाली को हमें अब बाईं तरफ मोड़ना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे और उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा। उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, इसका मतलब कि जाली इस साइड में अब मुड़ जाएगी, तो उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बना लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब नाइन्थ रो में हमें अपना पहला लाइन शुरू करना है, यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो जाली देते हुए तीन का एक कर लिया।
अब इस फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ जाएगा और ये जो है ये देखिए फिर उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा सीधा। देखिए यहाँ से शुरू हुआ और फिर वापस आके यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, एक ये बिस्किट की तरह बन गया और जिग जैग ऐसे जाली बनता चला जाएगा। उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा। इस तरह नाइन्थ रो में हम अपना पहला लाइन दोहराएंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। एलेवेंथ रो में फिर हम अपना थर्ड रो दोहराएंगे, यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक किया, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे। उन अपनी ओर करेंगे यानी यहाँ पे जाली बन जाएगा और अब जाली जो है वो बाई ओर ऐसे घूम जाएगा। उन अपनी ओर किया, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। देखिए इस तरह हमारा ये जाली जो है वो ऐसे घूमता चला जाएगा। एक फंदा सीधा, दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा। उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा। लास्ट में चार फंदा आएगा तो तीन फंदा उल्टा बना लेंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर अगली लाइन में इन दो सीधे फंदों को एक साथ लेके दो का एक कर लेंगे, जाली ऐसे कॉर्नर में चली जाएगी। तो ये इस तरह जिग जैग बनता चला जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।